हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बाय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आज जो एग्ज़ाम हुआ है HSSC ग्रुप 3 का मैकेनिकल इंजीनियर का, तो पूरा पीडी पूरा पेपर आपके लिए लेके आए हैं। तो अपने नंबर जरूर से कमेंट करें कितने आपके नंबर बन रहे हैं, और सॉल्यूशन इस वीडियो में लास्ट तक जरूर देख लें, ठीक है। आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कूल बॉय कुलबीर लिख के टेलीग्राम पे सर्च करें, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हर रोज आपके लिए जो भी एग्जाम होता है उसका सोल्यूशन लेके आते हैं, कंप्लीट वीडियो 100 के 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो वीडियो को आप शेयर भी करते रहें और देखते भी रहें दोस्तों। आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आपने पीछे भी देखा होगा, जो भी एग्जाम हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुए हैं सेम टू सेम। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विकृति ऊर्जा है, विकृति ऊर्जा हो जाएगी एक पिंड के भीतर भंडारित ऊर्जा जब नम्यता सीमाओं के भीतर विकृत हो। उसके बाद स्थानिक जालन में इलेक्ट्रोड शीर्ष व्यास किसके बराबर होना चाहिए, जहां टी इजिकल टू जालन किए जाने वाले प्लेट की मोटाई है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। गति की शांता है, गति की शांता हो जाएगी आपकी पूर्ण शांता से द्रव के घनत्व का अनुपात। हरियाणा के एकमात्र कवि जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है, तो ये है दयाचंद मायना दोस्तों। उसके बाद न्यूमेरिकल है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन है उनके मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, जिसको करने हो वो PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। क्वेश्चन है कि नेटवर्क के प्रवेश और निकास बिंदु के रूप में कार्य करता है, क्योंकि रूटिंग पाथ का उपयोग करने के लिए नेटवर्क के अंदर आने या नेटवर्क से बाहर जाने वाले सभी डेटा को पहले गेटवे से होकर गुजरना होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गेटवे। तलीय गति वाली एक प्रणाली की मुक्ता की डिग्रियों को निर्धारित करने के लिए कुछ वे एक मानक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है पशुधन विकास पुरस्कार दोस्तों। खालिस्तान एक ऑटोसाइकिल की वायु मानक क्षमता खालिस्तान द्वारा दी जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। एक स्टील को क्रांतिक तापमान से 250 से 500 सेंटीमीटर ऊपर के तापमान वाले पिघले लवण में रखा जाता है, तब संरचना शुद्ध रूप से ऑस्टेनाइट की बनी होती है, यह उसमें उपचार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपका ऑप्शन सी, ऑस्टेम्पिंग। रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। धातु आवरण प्रकार प्रज्वलन कुंडली में क्रोड को खालिस्तान के साथ कुंडलित किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय कुंडलन। एक चक्कर जिसमें एक विपरीत समदाब एक विपरीत समायतनीय है और दो विशेष स्थिरोष्म प्रक्रिया है, क्या कहलाता है, डीजल चक्कर। उसके बाद केवल एक एकल विष बोन भुजा खालिस्तान के निर्माण में प्रयुक्त होती है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकफर्सन स्टेट प्रकार IFS। सर्वाधिक समतावान परिचालन हेतु एक पेल्टन चक्र की गति अनुपात U/V खालिस्तान की श्रेणी है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। पीने के पानी में तांबे की अधिकतम निर्धारित सांद्रता होती है 3.0 PPM, इसका हो जाएगा 18 का ऑप्शन सी। इसके बाद है 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लगभग न्यूमेरिकल आए हुए हैं। बूस्टर हाइड्रोलिक प्रणाली में एक समानुपातिक वाल्व खालिस्तान के लिए प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अगर और पश्चिम घुरियों पर ब्रेकिंग प्रयास को समायोजित करने के लिए। हरियाणा के प्रसिद्ध निबंधकार पत्रकार और साहित्यकार बाल मुकुंद गुप्त का जन्म रेवाड़ी जिले का गुडियाणी गांव। इसके बाद है एक गतिकीय श्रृंखला वाले युग्मों P और कड़ियों की संख्या L के बीच, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। खालिस्तान सूचना का एक महासागर है जो आपस में जुड़े ट्रिलियन वेब पेजों और वेब संसाधनों के रूप में संग्रहित होता है, तो ये होता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम बोलते हैं। एक शुष्क लाइनर खालिस्तान द्वारा बेलनाकार खंड पर लगाया जाता है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिकरण फिट। एक कापलान टर्बाइन रनर में कृतकों की संख्या सामान्यतः खालिस्तान के बीच होती है, तो ये हो जाएगी 4 से 6। एक फलक केंद्रीय घनीय स्पेस जाली में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 14 परमाणु है, जिसमें से 8 परमाणु घन के कोणों पर स्थित हैं और 6 परमाणु 6 फलकों के केंद्रों पर हैं। हरियाणा में पड़ने वाली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, 129 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखना है, नए क्वेश्चन आए हैं इनको अच्छे से कर लेना, आगे एग्जाम में आपके बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो रिपीट होंगे, इनको अच्छे से याद कर लेना। जब एक क्वार्टर गवर्नर की भुजा ऊपर की ओर जाती है तो गवर्नर गति क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद है न्यूमेरिकल है 29 का, इसका सी आंसर हो जाएगा। स्कोच योक
प्रणाली खासतन उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होती है, वो यदि साइन कोसाइन फलन। खालिस्तान दो या दो से अधिक कंप्यूटर या कंप्यूटर कंप्यूटिंग उपकरण के बीच एक इंटरकनेक्शन है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक दाहिनी के अनुप्रस्थ काट की उदासीन दूरी वह है दूरी है जिस पर मोट दाब है 0। हरियाणा में अधिकांश वन हरियाणा राज्य की खालिस्तान श्रेणी में आते हैं, तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती में आते हैं। देखो भारतीय मानक निर्दिष्टताओं के अनुसार Fg40 दर्शाया गया डलवा लोहा, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगी। यदि समीकरण PvN=C में N=0 है तो ये हो जाएगा समदाबीय प्रक्रिया। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक 4 बिट शब्द को बोलते हैं निब्बल, ठीक है डी ऑप्शन। एक 8 ध्रुव का वैकल्पिक 750 RPM पर चलता है, तो ये न्यूमेरिकल है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1455 RPM। सेकेंडरी स्टोरेज को खालिस्तान स्टोरेज भी कहते हैं, तो बैकअप स्टोरेज होती है ये। दौड़ कार में सामान्यतः खालिस्तान लगा होता है अर्ध अपकेंद्रण क्लच, ठीक है बी ऑप्शन। नीचे दिए चित्र बिंदु सी जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है निम्न उत्पाद बिंदु। फर्स्ट इंजन ऑटोमोबाइल है तो आवश्यक ढांचे का प्रकार है बैकलोन ढांचा। एक समकोण नोच पर स्त्राव है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। चीनी यात्री हेनसांग ने किस शासक के शासनकाल में हरियाणा का दौरा किया, तो ये किया था हर्षवर्धन। जेबीटी वाला जो पेपर था उसमें पूछा गया था हर्षवर्धन के काल में कौन यात्री आया था, तो हेनसांग। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो ऊपर नीचे होते रहते हैं दोस्तों, इनको अच्छे से कर लेना। उसके बाद सामान्य हेप्टेन है, ये जो है 7 कार्बन परमाणुओं के साथ श्रृंखला संरचना। खालिस्तान एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका उपयोग तारों के माध्यम से विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ये होता है इंटरनेट हब। उसके बाद न्यूमेरिकल है, इसका 4%। सामान्यकरण में ये देगा ऑप्शन सी, वह प्रक्रिया जिसमें उच्च रूपांतरण श्रेणी से 40 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर लो आधारित मिश्र धातु गर्म किया जाता है और निर्दिष्ट समय के लिए रखा जाता है और शांत वायु में ठंडा किया जाता है। दामोदर नदी को किसका शोक बोलते हैं, बंगाल का शोक बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद न्यूमेरिकल है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चक्राधार से वाहन की समग्र लंबाई होती है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी वाला। डॉक्टर सुल्तान अंजुम को ख्वाजा अहमद अब्बास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी हरियाणा उर्दू अकादमी। किसकी कौन सी अकादमी है, हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। थ्योरेटिकल तनाव सांद्रण कारक को खालिस्तान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अधिकतम तनाव से नाम तनाव, ठीक है। उसके बाद है एक अभिक्रिय टरबाइन में आवक छिद्र खालिस्तान में जल में होती है, यह देगा सी ऑप्शन। दोनों गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना खालिस्तान के तहत की गई है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 1973। उसके बाद है न्यूमेरिकल, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक अच्छे प्रशीतक में क्या होना चाहिए, वाष्प पर अधिक गुप्त ऊष्मा, न्यूमेरिकल है सी ऑप्शन हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और 61 का भी न्यूमेरिकल है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। यूलर का सूत्र केवल खालिस्तान के लिए है, यूलर का होता है लंबे सतम के लिए। फ्रांसिस टर्बाइन हेतु प्रवाह अनुपात किसके बीच होता है, 0.15 से 0.30 के। किस ग्रंथ में कुरुक्षेत्र को अरिक्षेत्र, ये सकंद पुराण में कहा गया है दोस्तों, ठीक है। 1/8 ओम ये न्यूमेरिकल, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। 66 का हो जाएगा ऑप्शन ए। खालिस्तान कंप्यूटर को पॉम टॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, तो जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर होते हैं उनको बोलते हैं पॉम टॉप। उसके बाद ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। मैथ का क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। विकिरक क्रोड सामान्यतः खालिस्तान का बना होता है, तो ये बना होता है पीतल का। रैकिन सिद्धांत के अनुसार एक मेंबर में एक बिंदु पर असफलता होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद है 72 का ऑप्शन हो जाएगा डी। सारे लगभग न्यूमेरिकल आए हुए हैं। खालिस्तान सूची मदों की शुरुआत में उपयोग किए जाने वाले छोटे ग्राफिक्स होते हैं बुलेट्स, ठीक है डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जब कार्बन स्टील में प्रयुक्त होता है तो धातु को तन्य करता है और कठोरता बढ़ाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीज। हरियाणा में पुराना जलोढ़ मैदान कहाँ है, जिले के पश्चिमी भाग में। 76 का ऑप्शन हो जाएगा सी।
एक जोल्ट मशीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सांचे के पीछे की ओर घटती कठोरता के साथ पैटर्न फलक पर रेत को अधिक कठोरता से टकराना। आघूर्ण बल समीकरण इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुवीय मापांक। खालिस्तान उस शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है जहां कर्सर होता है, हो जाएगा ऑप्शन बी थिसोरस। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपका ऐसे काल से दिया गया है जो पीछे हमने वीडियो करवाया था, कौन सा पेपर था पता नहीं अभी, लेकिन सेम टू सेम यही का ये क्वेश्चन आपको देखने को उसमें मिला था। ठीक है, अगर आप कुछ देखते तो आपका नंबर जो है वो दो तीन पर वीडियो अगर नंबर भी मिलते तो भी कितने वीडियो डाल चुके हैं तो आप नंबर आसानी से ले सकते थे। उसके बाद है बोर के हाइड्रोजन परमाणु मॉडल में स्थिर कक्षा की त्रिज्या, ये हो जाएगी ऑप्शन डी एम स्क्वायर। एक ढलाई विकार जो कोण पृष्ठ के रेत कर्तन से होता है और परिणाम स्वरूप ढलाई कार्य से धातु के एक परत रेत की पृथक होती है, क्या कहलाती है? ये कहलाएगी स्कैब, बी ऑप्शन। इंजन के ठंडे होने के लिए लगाया गया जल पंप सामान्य खास्थान प्रकार का होता है, अब केंद्रीय प्रकार। डेल्टा धातु खास्थान का बना होता है 55% तांबा, 41% जस्ता, 2% टीबी और 2% एफई। वह प्रक्रिया जो स्टील की यांत्रिकता बढ़ती है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन डी सॉरी गोलाकारीकरण। 86 का ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद है हरियाणा के सोनीपत जिले में किस प्रकार के जलोढ़ जमाव है, ये सेम आपका देखा होगा आपने जेबीटी वाले एग्जाम में पूछा गया था, वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ गया है। पिच कोण फिट्टा वाले एक तिलक गियर के लिए दंतों का रचनात्मक संख्या टी, इसे दंतों की वास्तविक संख्या टी का अनुपात हो जाएगा ऑप्शन बी 1/cos θ। 89 का हो जाएगा डी ऑप्शन 12 g/min। उसके बाद 90 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठंडा करने पर स्टील हाइपर यूटेक्टोइड स्टील हेतु खास्तान में परिवर्तित हो जाता है, ये हो जाएगा पियराइट और सिमेटाइट। एसिटिक अम्ल और सोडियम एसिटेट का मिश्रण पीएच खास्तान के आसपास एक बफर की तरह कार्य करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। सीआई इंजनों में वायु चूषण स्ट्रोक के दौरान ली जाती है और दाब की खास्तान श्रेणी तक संपीड़ित की जाती है 30 से 70 बार। खंडयुक्त अनुप्रस्थ काट वाली एक बेलनाकार तस्करी से कुंजी बनाई जाती है और आसान संरक्षण के लिए प्रयुक्त होती है और खास्तान के रूप में जानी जाती है, तो ये हो जाएगा वुड रॉक कुंजी। 95 का न्यूमेरिकल है डी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा को पहला ग्राम सचिव वाले स्थान पर मिला है भरतपुर, ये जींद के अंदर है दोस्तों। ठीक है, एक ऐसा स्थान जहां विद्युत न हो, हम शीतलन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा वाष्प अवशोषण। छेदन की दूरी वाले एक समतल फ्लूट द्वारा बना कोण होता है रेख कोण। खालिस्तान उस समरक्त के प्राणी है, तो पक्षी जो है गर्म खून के प्राणी है। खालिस्तान निर्देशों की एक श्रृंखला जिसे केवल एक कमांड का उपयोग करके जारी किया जाता है, तो मैक्रो ये ऑप्शन हो गया। तो जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा हार्ड लगा मुझे, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके कितने नंबर इसमें बन रहे हैं वो भी शेयर करें दोस्तों, ताकि कट ऑफ का पता लगे कितने तक जा सकती है। और इसके आंसर की भी यहाँ पे डाल दी गई है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, ये पूरा का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।